कुछ नहीं चाहता। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अबजे क्लासेस में। बच्चों आज हम एल्कीन के रिएक्शंस को देखेंगे। इसमें एल्कीन की जो भी रिएक्शन है जो हमकी क्लास 11, 12 नीट जी एडवांस या उसके ऊपर की क्लासेस में जरूरी होती है, वो सारी डिटेल रिएक्शन को देखेंगे। अब इसके लिए हमारा पर्पज होगा उन्हें देखने का कि हम देखें कि कौन कौन से रिएजेंट हैं जिनसे रिएक्शन करने पर एल्किन क्या क्या प्रोडक्ट देता है। ठीक बच्चों, तो हम कोशिश करेंगे कि किसी कॉमन रिएजेंट को ले लें और उससे सॉरी कॉमन रिएक्टेंट को लें और उससे हम जो है जो भी रिएजेंट है पॉसिबल उनकी रिएक्शन करवा के देखें और देखें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं अलग अलग रिएजेंट लेने पर। तो हम एक रिएक्टेंट फिक्स करने जा रहे हैं। हम रिएक्टेंट फिक्स करने जा रहे हैं ये। ठीक बच्चों, ये आपका साइक्लोहेक्सीन है, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, ये हम रिएक्टेंट फिक्स कर ले रहे हैं। हम इसका डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट से रिएक्शन देखेंगे और देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट ये किस रिएजेंट से आपका बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे इजी होता है इसका रिएक्शन हम देखते हैं HBr के साथ में। अगर इसका रिएक्शन हम कराएं HBr के साथ में तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ध्यान ये रखना है कि जो आपका एल्कीन होता है ये डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे एल्कीन में पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना होता है। ये कैसे ओवरलैपिंग से? इलेक्ट्रल ओवरलैपिंग से बना होता है। जैसे ये आपका CC है तो इसके ऊपर पी ऑर्बिटल्स हैं ये, और इनका जो ये इलेक्ट्रल ओवरलैपिंग होता है इससे बना होता है। तो इसलिए जब भी कभी कोई रिएक्शन होता है तो सबसे पहले ये बॉन्ड टूट जाता है, यानी जो डबल बॉन्ड होता है ये ब्रेक हो जाता है। अच्छा, चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर भी मान सकते हैं क्योंकि आपके जो पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के ओवरलैपिंग से बना हुआ है, तो इसको सिंपली कभी कभी ऐसे भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है पूरा एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पूरा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो एक तरीके का ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर आपके पास में, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होगी उससे ये रिएक्ट करेगा। तो ये एल्किन डबल बॉन्ड क्या हो गया? ये डबल बॉन्ड आपका हो गया इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन है इसके पास में जो कि किसी को दे सकता है ये। ठीक है, तो ये किससे रिएक्ट करेगा? किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा, मतलब ऐसी स्पीसीज जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H+, H+ के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इससे रिएक्ट कर जाएगा, या कोई और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज मिल जाए तो उससे भी ये रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि HBr से इसका रिएक्शन कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनता है। तो बच्चों HBr से अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक बच्चों, यानी HBr को जोड़ा हमने तो हम देख सकते हैं कि BH यहाँ जुड़ा हुआ है, BR यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसमें H यहाँ पे जुड़ जाएगा और BR आपका आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्वेश्चन उठता है कि H यहाँ पे क्यों जुड़ेगा, BR यहाँ पे क्यों जुड़ेगा? तो जैसा कि हमने बताया अभी आपको कि ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर माना जाता है, तो किससे रिएक्शन करेगा? HBr आपका H+ दे देगा और Br- दे देगा। तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है तो ये क्या करेगा? इससे रिएक्शन करेगा, H+ को ले लेगा। तो यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनेगी। दो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि जो एच आपका ऐड होगा वो इससे ऐड हो या उससे ऐड हो। तो हम दोनों को एक बार लिख लेते हैं।
ठीक है बच्चों, एक बार हम मान लेते हैं कि ये एच आपका यहां जुड़ गया और दूसरी बार हमने मान लिया एच आपका यहां जुड़ गया, तो इस केस में प्लस चार्ज यहां हो जाएगा, इस केस में प्लस चार्ज यहां हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब ध्यान से देखो आप, अगर H यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज आता है ये आपका एक दो तीन, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, और जो प्लस चार्ज यहाँ पे आता है ये आपका क्या बन जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब चूंकि हमें पता है कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए ये ना बन करके ये बनता है, मतलब एच आपका यहीं पे ऐड होता है और फिर ये आपका बी आर माइनस से जुड़ करके ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना लेता है। ठीक है बच्चों, अब इसी में अगर केस आपका हो एच बी आर का एडिशन, लेकिन यहां पे पर ऑक्साइड ले ले, हम क्या ले ले, पर ऑक्साइड, तो बच्चों जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है प्रोडक्ट, इस केस में बी आर यहाँ पे जुड़ेगा। अब पिछले केस में हमने देखा था कि आपका जो है बी आर यहाँ पे जुड़ा हुआ था, इसमें यहाँ पे जुड़ा हुआ, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये होता है कि बच्चों एच बी आर अपर ऑक्साइड का रिएक्शन होने पर हमको बी आर रेडिकल मिल जाता है। क्या मिल जाता है हमको, बी आर रेडिकल मिल जाता है, तो इसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज हो जाती है बच्चों वो बी आर रेडिकल हो जाती है। ये बी आर रेडिकल अटैक करता है डबल बॉन्ड, तो फिर अगेन यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है लिखते हैं, तो पहली पॉसिबिलिटी है कि बी आर रेडिकल जो बना था वो आपका यहां जुड़ जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि बी आर रेडिकल आपका यहां जुड़ जाए, तो जब बी आर रेडिकल यहां पे जुड़ेगा तो यहां पे रेडिकल आ जाएगा, और यहां पे जुड़ेगा तो यहां पे रेडिकल आ जाएगा लोन पेयर, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आके रिएक्ट कर जाएगा। ये अब देखो बच्चों ध्यान से, तो ये है आपका 3 डिग्री रेडिकल, ये है आपका 2 डिग्री रेडिकल, मतलब ये टर्शरी रेडिकल या सेकेंडरी रेडिकल है। अब फिर हमें पता है कि जो आपका टर्शरी रेडिकल होता है वो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आपका ये बनेगा, ये फर्दर एच बी आर से रिएक्ट करके एच रेडिकल ले लेगा, बी आर निकाल देगा और ये प्रोडक्ट आपका बना देगा। तो इस तरीके से हमने दोनों के डिफरेंट को देख लिया कि जब एच बी आर या एच सी एल या किसी का एडिशन करेंगे हम सी डबल बॉन्ड सी पे, दो तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक जो हमने पहले बनाया हुआ था अनयूजुअल प्रोडक्ट बाई कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और दूसरा आपका बनेगा जो अभी हमने बनाया रेडिकल यूज करके। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट अपोजिट बनते हैं। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं, समराइज कैसे करें, चूंकि हमारे पास रिएक्टेंट सेम है, सिंपल एच बी आर से रिएक्शन करवाया गया है, यहाँ पे पराक्साइड PO लिखता हूँ, ठीक है पराक्साइड, एच बी आर जब सिंपली हमने रिएक्शन कराया है तो क्या होता है बी आर यहाँ पे जो ऐड हो जाएगा आपका, जब परऑक्साइड डाल देंगे तो बी आर कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका। ठीक बच्चों, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो ये प्रोडक्ट होता है इसको आप बोलते हैं मार्कोनी का प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको आप,
मार्कोनी का प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलते हैं आप, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट। तो सिंपली हम इसको बोलते हैं मार्कोनी प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं मार्कोनी प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट। तो इसको आप डिफाइन सिंपल वर्ड में कर सकते हो मार्कोनी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, कि जब आप एच बी आर का एडिशन करो तो एच वहां पे जुड़े जहां पे मैक्सिमम एच हो। जैसे यहाँ पे आपके पास में एक एच है, यहाँ पे आपके पास एक एच है, यहाँ पे जीरो एच है ऊपर, तो एच वहां पे जुड़े जहां पे आपके पास ज्यादा एच है तो उसे मार्कोनी प्रोडक्ट बोलेंगे। और एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होगा जहां पे आने वाला जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो वहां पे जुड़े जहां पे एच ज्यादा है, या सिंपली जहां पे एच कम है अगर वहां पे आने वाला एच जुड़ जाए तो एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आने वाला एच ज्यादा कार्बन, जो उस कार्बन पे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन अगर उससे जुड़ा हुआ है तो मार्कोनी प्रोडक्ट, अगर आने वाला एच आपका, देखो इसको यहाँ पे लिख लो तो समझ में आ जाएगा, ये एच हमारे पास पुराना वाला था और ये एच नया वाला आया हुआ है, नया वाला, ठीक है। तो एच उसके उस कार्बन पे जुड़े इसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है तो आपका मार्कोनी प्रोडक्ट हो जाएगा, और उसके पास जुड़े जिसके पास में आपके आपका जो है ये एच यहाँ पे है, आने वाला एच कहाँ पे जुड़ा हुआ है, आने वाला एच आपका यहाँ जुड़ा हुआ है, तो उस कार्बन पे जुड़े जिसके पास कम हाइड्रोजन है तो आपका एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, इसको दिमाग में रखेंगे और इसे हम यूज करेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए आगे, ठीक है बच्चों। अब एक और रिएक्शन देखते हैं जो सबसे सिंपल रिएक्शन है, बार बार हमसे पूछी जाती है एग्जाम में या हमें बार बार उसे इनकाउंटर करना पड़ता है, वो है एडिशन ऑफ वाटर, H2O H प्लस। तो बच्चों वाटर में क्या होता है, वाटर आपको देता है H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है, और सिंपल ये जो एडिशन होता है आपका मार्कोनी एडिशन होता है, तो मार्कोनी एडिशन होता है तो प्रोडक्ट हम इमिडिएटली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे कोई एच नहीं है, तो मार्कोनी क्या कहता है, मार्कोनी कहता है कि जो आने वाला एच है आपका वहां जुड़े जहां पे ऑलरेडी एच है, और जो नेगेटिव पार्ट है वहां पे जुड़े जहां पे एच नहीं है, तो बन गया मार्कोनी प्रोडक्ट। आ गया ना प्रोडक्ट आंसर, तो आप सिंपली लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। इसी एडिशन को का एक और पार्ट होता है, इसी वाटर के एडिशन का एक और पार्ट होता है, देखते हैं क्या क्या है वो। अगर हम सिंपली वाटर से ऐड करने के बजाय यहां पे आपका रिएजेंट ले लें, मरकरी, एसीटेट, ठीक है, क्या ले ले, मरकरी एसीटेट एंड NaBH4, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास में, ये भी आपका सेम प्रोडक्ट देगा, मतलब मार्कोनी प्रोडक्ट ही देगा। तो चाहे H2O H प्लस लेकर के एडिशन कराए हम, और चाहे हम HG एसीटेट लेकर के एडिशन कराए हम, तो सिर्फ वाटर का एडिशन होगा मॉलिक्यूल में, ये पूरा रिएजेंट जो है आपका ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के रिएजेंट के लिए है, क्या जानता है, ये सिर्फ आपका वाटर के एडिशन के इक्विवेलेंट है, एडिंग H2O टू द डबल बॉन्ड, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका, वो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये रिएक्शन DH3 ठीक है, नंबर टू H2O2
NaOH। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करता है, ये भी एक्चुअली में आपका वाटर ऐड करने जैसा ही है, बट जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो आपका एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बनता है प्रोडक्ट आपका? प्रोडक्ट आपका बनता है जो एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बन जाता है। तो लिखते हैं एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट में सिंपल वाटर का एडिशन है, तो एच आपका वहां जुड़ेगा जहां पे आपके पास में एच कम है, तो जोड़ो एच, एच यहां जुड़ गया और ओ एच यहां जुड़ गया। ठीक है, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जानने की या देखने की, वो ये जानने की चीज होती है कि जो आपका एच और ओ एच जुड़ता है आपका, ये एक दूसरे के शीश होते हैं। क्या होते हैं? शीश। ठीक है, ये एग्जाम कई बार पूछेगा, तो शीश कैसे, इसको यहाँ पे दिखाओगे, इसको ऐसे बनाओ प्रोडक्ट को, डॉटेड लाइन पे शीश थ्री दिखा दो, एबव द प्लेन एस दिखा दो, तो यहां पे भी आपको एबव द प्लेन ओ एच कर देना होगा। ठीक है बच्चों, तो जब बी एच थ्री टी एच एफ का आप यूज करके बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक तरीके से आपके एक स्टीरियो सेंटर बन जा रहा है ना, कायरल कार्बन बन जा रही है। ठीक है, तो इसलिए इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो एच और ओ एच है वो एबव द प्लेन होंगे या बिलो द प्लेन, जो भी होंगे दोनों सेम में होंगे। ठीक है, तो जनरली जो हम लिखते हैं वो एबव द प्लेन दोनों को लिखते हैं। ठीक है, तो इतने याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इतना हम जान गए हैं तो हम एक रिएक्शन इसमें बढ़ करके और आगे देख लेते हैं, वो क्या है, इसका रिडक्शन। ठीक है, कई बार जब पूछा गया है ये, और बच्चे इसे गलत कराते हैं इत्तेफाक से। ठीक है, बच्चे गलत इसलिए कराते हैं क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है और भूल जाते हैं वो। ठीक बच्चों, जब भी प्लेटिनम या पैलेडियम या किसी और सॉलिड सरफेस के ऊपर आप H2 का एडिशन कराओगे डबल बॉन्ड पर, तो हमेशा ध्यान रखो कि जो आपका हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा वो एक प्लेन में रहेगा। ठीक है, जैसे ये आपका सॉलिड सरफेस होता है तो इस पे H एटम आपका एब्जॉर्ब हो जाता है H2। ठीक है, तो जब इसके ऊपर डबल बॉन्ड आता है तो ये इस पे ऐसे ऐसे जुड़ जाता है यहाँ पे डायरेक्टली, ये दोनों हमेशा एक साइड पे रहेंगे। जब भी प्लेटिनम पैलेडियम या ऐसा कुछ ऐड कराओगे तो बच्चे जाने क्या करते हैं, सिंपली वो H ऐड करके चले आते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये दोनों एच आपके जो है वो कहाँ रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, अगर यहाँ पे एच होता तो कोई बात नहीं, ये सेंटर से चला जाता कोई बात नहीं, यहाँ पे डी है, डी होने की वजह से आपका कायरल सेंटर बन गया और ये भी आपका कायरल सेंटर बन गया, तो कायरल सेंटर बन जाने की वजह से इसका ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा। एक और रिएक्शन देखते हैं, तो बच्चों अब तक हमने वाटर का एडिशन देख लिया, हमने HBr का एडिशन देख लिया, हमने H2 का एडिशन देख लिया, वाटर के एडिशन को हमने तीन तरीके से देखा, सिंपल H2O प्लस डाल करके देखा तो मार्कोनी प्रोडक्ट देता था। ठीक है, मर्क्यूरिक एसिटेट लेकर के देखा हमने तो भी मार्कोनी प्रोडक्ट देता था, लेकिन जब हमने बोरान BH3 THF लिया तो एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट मिला हमको। ठीक है, अब हम एक चीज और देखते हैं, वो क्या देखते हैं, वो एडिशन ऑफ Br2, ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है ये एडिशन ऑफ Br2, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन है। ठीक है, RCl2, तो ऐसा क्या है इसमें जो एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा इसमें यह है कि बच्चों जो इसमें जो Br एटम या Cl एटम जुड़ेगा वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, मतलब जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो आपका एक तरीके का रेसमिक प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें मेजोरिटी आपका ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। तो क्या हो जाता है ये?
ठीक बच्चों, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों बी आर आपके ऐड हो रहे हैं, वो क्या है, एक दूसरे के ट्रांस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमने एच टू का देखा था कि है, तो उस तरीके से आपका बी आर को देखो तो बी आर ऐसे होता है, डबल बॉन्ड ऐसे है, तो ये वन स्टेप एडिशन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सबसे पहले इसमें एक बी आर एटम जुड़ता है और वो इस टाइप का कार्बो कैटायन बना लेता है। क्या बनाता है, वो कार्बो कैटायन बना लेता है थ्री मेंबरिंग के साथ में, और फिर दूसरा जो बी आर माइनस होता है वो इस पे आपके अटैक करेगा। तो ध्यान रखो, अगर एक बार प्लेन में बना हुआ तो जो अटैकिंग स्पीसीज होगी तो या तो बिलो द प्लेन होगी या एबव द प्लेन होगी, तो इन दैट केस इसका दोनों का ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बी आर टू ऐड करोगे बी आर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि अगर हम 12th लेवल के लिए पढ़ रहे हैं तो ठीक है, बी आर टू सिंपल बी आर ऐड कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम वाकई में कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं या चाहते हैं एग्जाम में हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, तो हमें ये स्टीरियो केमिस्ट्री इनकी याद रखनी होगी बच्चों। ठीक है, इसी बी आर टू की एक और रिएक्शन होती है, देखो बच्चों सारे रिएक्शन को लेके चल रहे, जैसे क्या होगा, किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन कहीं पूछिए तो आपको ये ना रहे आपने पहले देखा नहीं हुआ है। ठीक है, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सारी चीजों को कंपाइल करके एक साथ ले रहे हैं। अभी हमने सिंपल बी आर टू का एडिशन किया था, अब हम बी आर टू का एडिशन इन वाटर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन वाटर, मतलब बी आर टू ऐड करेंगे वाटर के साथ में, सेम रिएक्शन होगी बच्चों सी एल टू के साथ में। तो अभी जो पीछे हमने समझाया था आप लोगों को, उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, ठीक बच्चों, आप देखो जब हमने वाटर ले लिया तो देखो प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, यहाँ पे OH Br आ गया। तो पहले वाले केस में क्या था, Br2 ऐड हुआ था, यहाँ पे HBr ऐड हुआ, लेकिन दोनों की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो ओरिएंटेशन था वो जैसे पीछे वाले में था BrH का, बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी क्या होगा, वही आपका कार्बोकैटायन बनेगा सबसे पहले, कौन सा, Br+ वाला कार्बन बनेगा। अब आपके पास अटैक करने के लिए यहाँ पे H2 है, इसको H- की तरह देख सकते हो आप, H- आपके पास में। तो बच्चों एक क्वेश्चन उठ सकता है कि CH3 वाले के पास में ही OH क्यों गया हुआ है, तो बच्चों अगर आप इसको पूरा रिंग बना दो तो आप ये देखोगे ये CH3 है यहाँ पे, है ना, ये CH3 है यहाँ पे आपके पास में। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे ज्यादा देर होने के बजाय इस कार्बन पे ज्यादा देर कंसंट्रेट रहना चाहेगा, क्योंकि ये क्या है, टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, थ्री डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा ना। ठीक है, हालांकि अलग नहीं होता है, ये इसी तरीके का आपका बनता है, लेकिन ज्यादातर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसी कार्बन पे होगा, तो इसलिए जो आपका न्यूक्लियोफाइल हो कहाँ अटैक करेगा, वो इसी पर अटैक करेगा, इसलिए CH3 के पास हमने OH को लगाया हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाए आगे करके पीछे करके घुमा करके, तो भी आप इनका आंसर इजीली दे सकते हो बिना परेशान हुए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो कि हम देखेंगे, इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर हम पर एसिड का डायरेक्टली एडिशन कराएं इसमें तो क्या होता है, ये 12th लेवल पर नहीं लेकिन हायर लेवल के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंथेसिस में बहुत यूज होती है ये। PH3COH से रिएक्शन करवाएं अगर इसका हम, तो बच्चों आपका इपॉक्साइड रिंग बन जाती है, क्या बन जाता है, इपॉक्साइड रिंग बन जाती है। और उस रिंग की खासियत ये होती है कि वो एबव द प्लेन बनती है, ये क्या बनती है, एबव द प्लेन बनती है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि इपॉक्साइड बनेगी, अगर ये रिएजेंट हमने पर एसिड लिया हुआ है तो ये आपका एबव द प्लेन ही जाएगा इपॉक्साइड बनने पर। ठीक बच्चों, एक और जो कि आप खूब यूज करते हो कंपटीशन वालों का बहुत फेवरेट रिएजेंट है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4। ठीक है बच्चों, H2O2।
बच्चों ये क्या करता है, ये रेजेंट जो होता है वो रिसेप्टर आपका आपसी डाइजिंग टाइप का रेजेंट भी आपके क्या करता है सिस ओएच ओएच ऐड करवाता है, क्या करता है मॉलिक्यूल में आपके ओएच ओएच ऐड करवाता है, ये आपका सी एस थ्री हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा। तो अगर आसमीन टेट्रा साइड लिया हुआ है हमने तो क्या बन जाएगा हमारे पास, हमारे पास बन जाएगा डाइआल, क्या बन जाएगा डाइआल। बट खासियत क्या है कि दोनों ओएच आपके एक ऑफ द प्लेन होंगे, ठीक है। इसी तरीके से केमेनो फोर ऐड करते थे तो भी डाइआल बन जाता था, लेकिन केमेनो के साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज को देख लेते हैं, टाइप करते हैं तो केमेनो और दोनों में से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डिक्शनरी क्योंकि हम दोनों को एक ही साथ देखते हैं। पहली लेक्चर है इसी की हम दोनों से चलाते हैं O3 MeQS डाइमिथाइल सल्फाइड, क्या है MeQS, इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस क्या होता है बच्चों, ये आपका बांड ब्रेक हो जाता है, ये बांड आपका ब्रेक हो जाता है और जो यहाँ पे कार्बन होता है इनके ऊपर सी डबल बांड डबल बांड लग जाता है, तो बनाओ प्रोडक्ट ये था, ये एच है, ये था ये सी थ्री है। अब क्या लग जाएगा बच्चों इसमें, इसमें लग जाएगा आपका सी डबल बांड को यहाँ पे लग जाएगा और सी डबल बांड को यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये किबन हो जाएगा, ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा जब आप O3 MeQS एसिड रिएक्शन कराओगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराओगे। अगर इसी को ऑक्सीडेटिव करवा दोगे तो जो एच होगा आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गुना करके हम उसी का एक सिंपल लेक्चर और देखते हैं, हम इसी पे हम डायरेक्ट रिएक्शन में लेते हैं। पूछा जाएगा ना कि MeNO4 से इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, कि MeNO4 हार्ट या कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो क्या होता है जो यही प्रोडक्ट ऐसे ही बनता है लेकिन अंतर इतना आ जाता है, यहाँ पे तो जो है वही रहेगा C डबल बॉन्ड O लेकिन यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, चेंज क्या होगा अच्छे से लिखते हैं, तुम्हें लिखना पहले वहां पे वही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन यहाँ वाले पे क्या हुआ आपका, इसको ऐसे कर दो C डबल बॉन्ड O O H हो गया, तो मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड है C H ग्रुप है और यहाँ पे ये एसिड हो गया, ठीक है। सिर्फ इतना अंतर आया इसमें, O3 डाइमिथाइल सल्फाइड ले लिया हमने तो आपका एल्डिहाइड कीटोन बन गया, और केमेनो फॉर हार्ट ले लिया हमने तो क्या हो गया ये आपका एसिड कीटोन बन गया, ठीक है। तो आप किसी रीजन में आपको एसिड कीटोन बनाना है या एल्डिहाइड कीटोन बनाना है उसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हो कि आपको ओजोनोलिसिस करना है या केमेनो फॉर इसका रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो हमने मेजोरिटी ऑफ रिएक्शन जो इसके हो सकते हैं हमने देख लिया। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होते हैं या क्वेरी होती है तो आप कमेंट में बता सकते हो, जिससे हम अगले क्लास में उसको जो है इंकॉर्पोरेट कर लेंगे, ठीक है। अगर कहीं कोई और समस्या आएगी तो भी देख सकते हैं। एक छोटी सी पॉइंट इसमें छूट रही है, अगर हम अवॉइड कर ले तो हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा। वो कंप्लीट वो पॉइंट ही छूट रही है कि हमने एपॉक्साइड बना लिया था पर एसिड यूज करके, बट उसके आगे का एक स्टेप होता है देख ले तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा। अगर इसको वाटर में रिएक्शन करवाए हैं हम तो क्या होता है जो आपका एपॉक्साइड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसे बनेगा OH H CH3 और OH। तो इसे बच्चों OH को है दूसरे के क्या है ट्रांस है, तो हमें जो डायल बनाना है सिस बनाना है या ट्रांस बनाना है दूसरे के रिस्पेक्ट में इसकी बेसिस पे हम रिएजेंट चूज कर सकते हैं। अगर हमें सिस बनाना है तो हम OH को H2O को यूज कर लेंगे, अगर हमें ट्रांस बनाना है तो हम पर एसिड H2O यूज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से और ट्रांस डायल हम एल्केन से बना सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो है जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन से जुड़ी हुई थी वो हमने जो है वहाँ कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब बाकी आप तमाम चीज़ें हैं अगर आप देखना चाहो देख सकते हो अपने आप से, और उन चीज़ों को अगर कोई क्वेश्चन आता है कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो उनसे, ठीक है। आप चाहो तो एक एक क्वेश्चन करवा लेते हैं आपसे, एक सिंपल से जल्दी से क्वेश्चन कर लो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई सी एल के साथ इसका एडिशन करवा के प्रूफ बनाना बच्चों, देखो बहुत सिंपल है प्रूफ बनाना, बहुत सिंपल है प्रूफ बनाना। देखो सिंपल आई सी एल है तो आपको खाली इतना डालेगा सिंपल कौन सा माइनस कौन सा, तो आई सी एल में आई कैप्टन नेगेटिव कम होती है तो इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा, सी एल पे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया माइनस हो गया एच प्लस करा करेगा ये सेल माइनस करा दिया करेगा, ठीक है। आप सिंपली इस पार्ट पर तो मार्को क्या कहता था प्लस वाला पार्ट वहाँ पे जाएगा इसके पास हाइड्रोजन जाता है, उसके दो हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन इस तरह पर आ जाएगा आपके पास में आई आपका यहाँ आ जाएगा और सी एल आपका यहाँ आ जाएगा, बन गया सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है। मार्को प्रोडक्ट आपका।
सिंपली तुरंत बन गया बिना किसी उसके। सिर्फ आपको क्या जानना था, आपको कितना जानना था, क्या प्लस है और सेल माइनस है, ठीक है बच्चों। तो बस अगर इसमें ध्यान रखोगे तो आपके से जो क्वेश्चन या रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली उसका आंसर दे सकते हो। जो इंपॉर्टेंट बातें खास बातें हैं तो ये था आपके पास में जो एडिशन वाला था, आपके पास में पास था वो याद बनाने वाला था, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट को कुछ मैंने देखा था या बेसिक का एडिशन करवाते हो तो आपका एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट मिलता है और सिंपल करवाते हो आपको मार्कोनी प्रोडक्ट वाटर वाले में मिलता है, ठीक है बच्चों। कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट होगा तो आप इमीडिएटली जो है कमेंट करके दे सकते हो, हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आप लोग चाहो तो इसको शेयर करो अगर आपको अच्छा लगा है तो, ठीक है। बाकी लोग इसको